हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल बन्नवाल किचन में आपका स्वागत है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसके लिए हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मैं आपसे काढ़े की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। काढ़ा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने 4 इलायची लिए हैं, कुछ लौंग के दाने लिए हैं मैंने, दालचीनी ली है, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, गुड़ लिया है मैंने, 4 से 5 तुलसी पत्ता लिया है, मुनक्का लिया है मैंने और काली मिर्च ली है कुछ। पहले एक बट्टा लेंगे और एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। यहाँ मैंने अदरक यूज़ किया है। आपके पास अगर सॉल्ट है तो आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये ड्रिंक कोई भी डायबिटिक पी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ गुड़ यूज़ किया है। आप चाहो तो गुड़ भी स्किप कर सकते हो। अब हम इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ तुलसी पत्ता ऐड कर रही हूँ। हम तुलसी पत्ता को भी हल्का क्रश करेंगे। मैंने इसे क्रश कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसे एक छोटी कटोरी में निकालेंगे। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और सॉस पैन में 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। मैंने इस ग्लास से 1 ग्लास पानी लिया है। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम रखा है। अब हम क्रश किए हुए मसाले को इसमें डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून गुड़ ऐड करूँगी। और फिर हम कुछ मुनक्का ऐड करेंगे इसमें। अब इन सब चीज़ों को एक चम्मच से हम स्टर करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। हमें इसे बॉईल करते हुए रिड्यूस करना है। हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। आप देख सकते हो काढ़े का कलर आने लग गया है। हमारा काढ़ा बनकर रेडी है। अब हम इसे 1 ग्लास में छान लेंगे। मैंने जितना काढ़ा बनाया है, इसे 2 लोगों को इजली सर्व किया जा सकता है। काढ़े को मैंने 1 ग्लास में अच्छे से छान लिया है। हमारा काढ़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस काढ़े का आप रेगुलर यूज़ करें और आपकी फैमिली दोनों हेल्दी रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।